अच्छा इस पे ऐसे डालते हैं, मैं सब पूरा पूरा बिछा देते हैं। वो भी एक ही जगह पे रहेगा ना। अब इसमें कोमलिन डाला भैया, नमक, जूस, कपूर, ये चीज डाल रहे हैं हम भैया इसमें, मतलब तोड़ तोड़ के। तो हो गया अपना पिज्जा रेडी एक तो। अच्छा ये कैसे लगे बाबू भेजो? बेकार। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:20 और आज भैया सिर्फ मेरा 4 बजे वाला बैच है, 4 से 6 के बीच में जिनका टेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरे दिन अपन फ्री हैं। लक्की भैया आज ससुराल चले गए हैं और मैं अकेला हूँ, मम्मी हैं, कोमल दीदी और पापा है। तो देखते हैं आज घर पे क्या होता है। आज पूरे दिन घर पे ही रहूँगा, बाहर सांगोद से तो शायद ही जाऊँगा, बट सांगोद में ही कहीं पर जाऊँगा तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। तो चलो ये व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी तो मैं बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूंगा, फिर नहाऊंगा और फिर मंदिर जाऊंगा। तो पहले मैं इनसे फ्री हो जाता हूँ। क्या अब मैं जा रहा हूँ गणेश कुंज, नहा लिया, फ्री हो गया मैं, अब गणेश कुंज चलते हैं, उसके बाद अपने काम पे। क्या है भाई, क्यों 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 एकदम से डरा दिया भाई? भोंकने ने डरा दिया, कुत्तों से तो क्या ही डरेंगे, कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, कुत्ते जानवर सारे प्यारे। वैसे ज्यादा भोंकती नहीं हूँ पर पता नहीं कैसे आज भोंक दी मेरी तरफ। चाय दे दो। कैमरा सुपर पावर। अभी बोल दो कैमरा सुपर पावर। दूध पी लिया ना, अभी क्या करें, चाय बना रही, चाय दे देना। इतनी देर से इसके सामने दूध लेके आई हूँ, पापा से इतनी बहस हुई मेरी। ए, मैंने नहीं देखा तेरे को, अभी दूंगी ना एक बना दे चुपचाप। मम्मी की और मेरी है वो, मैं पीऊंगा। तू क्या सोच रहा है, तेरे ऑडियंस को दिखाएगा कि मैं कितना हूँ, देखो मैं। चल चल, जुकाम हो रहा है मेरे। ये फटी फटी पत्नियां मत दिखा। कोई नहीं मम्मी, अपना घर ऐसा ही है। लो चाय लेकर और जेब में लेके पिस्ता मैं चल गया ऊपर, मतलब जा रहा हूँ ऊपर, जा रहा हूँ क्योंकि इनका टेस्ट लेना है। मॉडल पेस्यू और लेटर्स, यानी 8th क्लास का बेच है। वैसे मैं बता दूँ तुम्हें, 8th का बेच होता है ये। इसमें सारी कुछ 7th क्लास के बच्चे हैं, बाकी सारे 8th क्लास के बच्चे हैं। इनका टेस्ट ले रहा हूँ मैं और इसमें मैंने ले दिए लेटर्स। लेटर्स में भैया ये दो करने, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, अगर तुम्हें आते हो ना तो करके देखना कभी। मनी फॉर बुक और फ्रेंडली क्रिकेट मैच में से एक करना है, मतलब करने दो हैं, क्वेश्चन 3 है और इनमें भी चॉइस दे दी अंदर। मॉडल्स हैं, मॉडल्स का आप रोक के देख सकते हो भैया, अगर कभी 10th क्लास 12th क्लास में पढ़े हो तो सोल्व कर लेना। अभी और दूंगा, 8 दिए, 2 और दूंगा क्योंकि बोर्ड भर गया पूरा। आज हमारे 2 बच्चे नहीं आए, एक तो राधिका और एक वसी नहीं आया, बाकी सारे आए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई नहीं आता। हाँ ही इज पार्थ, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है भाई। बस ये अभी स्कोर लिखा दूं मैं, फिर आगे वाला वो है वो बताता हूँ। पर मैंने ऊपर एक और चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, जब भी कि भाई चीटिंग करने का मन हो तुम्हारा, क्योंकि ये इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से महारत हासिल करके आए हैं चीटिंग में, तो मैंने लिख दिया कि जब भी चीटिंग करने का मन हो तो चीटिंग पढ़ लेना, उसके आई साइड भी देख लेना, आई एम चीटिंग माई सेल्फ। जो लिख दिया मैंने यहाँ से, मतलब पेशवी यहाँ से स्टार्ट हो गए, देखो यू वर माई ब्रदर दिव्य वगैरह, हु डिड लेट मी विल पल्लवी, हाउ मच रुचिता, ये सारे सेंटेंस रुचिता ही है ना। हाँ राइटिंग थोड़ी सी खराब है बट जब लिखते हैं तब याद आ जाता है कि हाँ, मतलब लिखते हैं जब लगता है कि सही है बट खराब हो जाती है, और ऊपर वाली तो खराब ही रहती है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ तक हाथ ढंग से नहीं जाता जिस पोस्चर में जाना चाहिए, और नीचे भी ऐसा ही हो जाता है, एंगल बिगड़ जाता है। किसमें? हाँ माइनस मार्किंग नहीं है क्या? अच्छा मल्टीपल आंसर नहीं, एक मॉडल का एक ही आंसर देना है, भली मेरी तरफ से मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, समझ रहे हो? अगर किसी मॉडल में शुड और केन दोनों राइट है तो तुम्हें शुड ही लिखना है या तो केन ही लिखना है, ठीक है? मैं तुम्हें इन सब का नाम बताऊं तो ये भाई है यूवल, इसको मैंने 6th में भी पढ़ाया था, 7th में पढ़ाया था, अब 8th में भी पढ़ा रहा हूँ। जब मतलब पहले मेरा क्या है फाइनल नहीं था इस बैच का, तो जब मुझे पता लगा ना कि अगले साल से मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत दुख हुआ था, बट इसे दुख नहीं हुआ बिल्कुल भी। ये है पुलकित, ये है परी, परी इसका क्या बेइज्जती किया है, जो सही बात है, तो मजे में ले रहा था, मेरे को तो बहुत दुख हुआ था। ये है पार्थ, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, है। नहीं है, है। ये खुशी सोनी, ये जय सुमन, ये मायूस रहता है भाई छोरा, ये छोरा मायूस है, ये परी और उसके पीछे अंजलि विष्णु, वो हमारे गांव के पास की है, हरियाणा जली वालों की। ये रुचिता दीदी, दीदी रुचिता दीदी, वो है अनिरुद्ध भैया नागर, और ये है अनिरुद्ध शर्मा, वो पीछे पीछे येलो टी शर्ट, दोनों अनिरुद्धों को तुम जानते हो। ये रिंकेश सुमन, उधर पीछे भाग्यांश राठौड़े, और ये जो मजे ले रहा है पेन के, ये सौरभ सुमन, और उसके आगे बैठा है जतिन, और ये लक्ष्मी, उसके पीछे पीछे बैठा है
जीतू भाई, जीतू भाई सारा थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ ना, तकिए भिजा देता हूँ ना, है? अबे साले, तो उन सबका टेस्ट हो गया भाई, वो चले गए घर पे और अभी बच चुके हैं कितने 7:30 बजने वाले हैं और लक्की भाई आने वाले हैं। तो लक्की भाई ने फोन करके बोला है कि वो जो पिज्जा बेस रखा है फ्रिज में, मतलब तुम्हें नहीं पता पर मैं बता रहा हूँ, जो पिज्जा बेस रखा है वो एक्सपायर होने वाला। लक्की भाई वो खाने की पूरी जानकारी दी है कि वो आज एक्सपायर हो जाएगा, तो जाके ये फलाना फलाना सामान लिया वो बना, वो मैं आऊँगा ना तो कोमल दीदी बना, तू ही बनाएगी ना, बुरा लगा खाती बेचारी बनाती है, ये खाते हैं हमें, तो चलो वो लेके आते हैं अपन सामान जो जो भी लाना है। एक तो ये ओरिगेनो और एक ये पास्ता पिज्जा सॉस, और अभी मैंने स्लाइस भी मंगवाई है चीज़ की, वो आ जाए फिर इनको लेके चलेंगे अपन घर पे। अरे नहीं, अच्छा हाँ ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। सारा सामान लेके मैं आ गया घर पे, टोटल अपने 100 रुपीज़ हुए थे वहाँ पे, उसके बाद अब मैं बैठा हूँ खाना खाने। आज हमारे बनाए दाल चावल और ये सुबह की सब्जी कांच अलग से बनाए, इसके बाद पिज्ज़ा भी बनेगा तो वो भी बताऊँगा बनेगा कैसे, उस दौरान हम मजे करेंगे और खाएंगे तो सही। तो चलो पहले ये खाना खत्म कर लेगा फिर, क्योंकि पिज्ज़ा में तो क्या ही पेट भरेगा, एक एक दो स्लाइस पाती आएंगे, तो ये खा लेते हैं पहले खाना। बनाना स्टार्ट कर दिया हमने पिज्ज़ा, अब हम निकाल रहे हैं इसके अंदर से ये, और हमारे पास कौन आया है, वो आए थे नाना के वहाँ। तो इस पे लगा रही है कोमल दीदी ये चीज़। रुद्र जब छोटा था ना तो इससे यूँ पूछते थे ना डायनासोर कहाँ पे, जो यही यूँ बताता था कि मालूनी में, मतलब मालूनी गाँव है ना, तो इसके इसके नानो सा वही रहते। अच्छा इस पे ऐसे डालते हैं, सब पूरा पूरा पीछा देते हैं तो पिघल के वैसे भी नहीं पिछले नहीं इतना मेल्ट नहीं होता। ओहो, अरे मेल्ट, वाह यार बोल दे रे, चलो पास करें इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के लिए संपर्क करें श्री 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 कोमल दीदी। दो पिज्जे, तीन तीन पिज्जे नहीं, दो दो, दो दो पिज्जे नहीं होता, क्या होता है पिज्जाज, पिज्जाज ऐसे लगा दिया अगर पीछे। अब इसमें कोमल दीदी ने डाला भैया नमक, कितना डालती है जितना मुझे लगता है ऐसे बताया, स्वाद अनुसार बोलते हैं उसे। मतलब मुझे लगता है कि इतना डालना थोड़ी बहुत चाटा पड़ेगा अभी एक तेरे खिला दूंगी 2 मिनट में पिज्जा कर दे आज चीरण अनुरोध दे आज। अब ये चीज डाल रहे हैं हम भैया इसमें, मतलब तोड़ तोड़ के, एक तो उसके बाटी के वन में चढ़ाई दिया हमने गर्म होने के लिए, उसका फ्लेम तो देख क्या खाया तेने मालोनी में, बेसन गट्टी की सब्जी और रोटी, बेसन गट्टी की सब्जी और रोटी। हो गया अपना पिज्जा रेडी एक तो, और एक और को डाल दिया हमने उसके अंदर, ये थोड़ा सा नीचे से टाइट हो गया, सही है ना, पर हाँ, ये इसकी कटिंग थोड़ा सा टाइट रहेगा क्योंकि यार हम मैकडोनल्ड्स और हम वो भी नहीं है क्या बोलते उसको, कौन बनाता है पिज्जा, मैकडोनल्ड्स ही बनाता है ना, मैं क्या करूँ फिर जॉब छोड़ दूँ, कहाँ है टाइट यार, कहाँ है टाइट, ये देख कहाँ है टाइट, कट करो पहले, डिप करो फिर कट करो, हाँ ये इसमें से भैया हमने बनाया, मतलब एक पिज्जे में से मारेंगे 6 स्लाइस। तो आ गया भाई अपना पिज्जा, अब करते हैं इसको ट्राई। अच्छा ये बड़े पापा का भी तो ले इसके भाई, अगर ये शॉर्ट इसके आगे का वीडियो में दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता तो मान लिया मैंने कट कर दिया। कैसे लगे पापा पिज्जो, बेकार दूसरा पिज्जा कट कट पहले देने टेबल इसमें काट लिया था ना पट्टी पे, तो कोई बात नहीं ना, तो साफ ही रहती है, तो रोटी भी तो बनाते हैं उसी में काटूंगे हम, इसको रेगुलरली साफ करते हैं गाइस, तो टेंशन मत लेना। दूसरी स्लाइस उठा के हो जाते हैं फ्री, लो हल्के से मीठे कट्टे ज्यादा हो गए यार कोमल दीदी, वही हल्के से मीठे कट्टे ज्यादा हो गए यार दोनों ही, बाकी सब कुछ सही है पर बस वो मीठे कट्टे ज्यादा हो गए, पर कोई नहीं यार घर पे बनते तो चलता है।